हेलो एवरीवन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को गेम खेलनी होगी मेरे साथ। अभी आपके पास स्क्रीन पे दो पिक्चर्स आएंगी और आपको गेस करना है कि उन पिक्चर्स में जो हो रहा है उसका असली कारण क्या है या वो किस वजह से हो रहा होगा। तो पहली पिक्चर, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आपके सामने भी आ रही है। इस बच्चे के हाथ जो है वो काफी गंदे है, तो अब आपको सोचना है कि क्या जिसकी वजह से इसका हाथ गंदा हो गया। आप अपने अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक मैं आपको अपना आइडिया और अपना आंसर शो करती हूँ। तो मेरे को लगता है द बॉय हैज बीन प्लेइंग विद द सैंड, दैट्स व्हाई हिज हैंड्स आर डर्टी। मुझे ऐसा लगता है कि वो मिट्टी से खेल रहा है, इसलिए उसके हाथ गंदे हो गए हैं। अब हम दूसरी पिक्चर की ओर चलते हैं। दूसरे पिक्चर में ये लड़की जो है वो कफ कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है खांसी कर रही है, धुआं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल रीजन है Someone has been smoking a cigarette, that's why she is coughing. कोई इसके आसपास जो है वो सिगरेट स्मोक कर रहा है, इसलिए इसको कफिंग हो रही है। आप अपने अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी मैं इसलिए करवा रही थी ताकि आप लोग आज के टॉपिक से अच्छे से वाकिफ हो जाएं, आपको पता चल जाए, फेमिलियर हो जाएं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज जो हम टेंस करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले जो मैंने टेंसेस की सीरीज है वो हमेशा लाइव सेशन में आके कवर की है। मैं हमेशा लाइव आती हूँ, सेशन को इंटरैक्टिव बनाती हूँ। अभी जो लास्ट के तीन टेंसेस थे उनको मैंने वीडियो में शूट करने का डिसाइड किया है। अगर आपको इससे पहले के टेंसेस देखने हैं तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, आपको सारे के सारे टेंसेस की वीडियोस वहां मिल जाएंगी। और यू कैन क्लिक द आई बटन ऑल्सो, वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिससे आप सारे टेंसेस की वीडियोस देख सकते हो। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यूअस भी आ रहा है, तो उन दोनों का ही एक तरह से मिक्सचर है। अगर आपको याद है कि परफेक्ट में क्या यूज होता था और कंटिन्यूअस में क्या पहचाना, तो आप ये टेंस अच्छे से पढ़ पाओगे। लेकिन पता होना चाहिए कि टेंस यूज कहाँ करना है। तो इस टेंस के लास्ट में आता है रहा है, रही है और रहे हैं। कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है ना? ये तो मैम ने पहले भी कहीं बताया, किसी टेंस में तो ये यूज होता है। एक्चुअली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये तीनों चीजें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आखिर में भी आती हैं। मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ या खाना खा रही हूँ, तो उसके एंड में भी ये चीजें आती हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में आज मैं ये समझाऊंगी कि डिफरेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, क्या फर्क है इन दोनों में। तो फर्क जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो यूज होता है उसमें एक्शंस आर हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, आपके सामने कोई एक्शन हो रहा है। यहां पर क्या होता है, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। कोई चीज पास्ट में शुरू हुई थी और अभी तक वो चलती आ रही है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा मेन अहम डिफरेंस जो है कि इसमें आपको टाइमलाइन मेंशन नहीं होती, मतलब एक्शन कब स्टार्ट हुआ था ये जानना या कब हो रहा है ये इसका कोई मतलब नहीं है, टाइम का कोई रोल नहीं है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें टाइमलाइन का मेंशन होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एक्शन कब से हो रहा है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप ये टेंस कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ये सीखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंस क्या है। बस डिफरेंस इतना सा है कि इसमें टाइमलाइन मेंशन होती है और ये एक्शन पास्ट में शुरू होता है और अभी तक चलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारे सामने ही हो रहा है, सिंपल एक्शन, अभी आपके सामने जो बिल्कुल आंखों देखा आप जो बता रहे हो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी मैं कोई टेंस कराती हूँ तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो टेंस यूज कहाँ होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस जगह पे इस टेंस को यूज करना है। तो दो यूज केस है, पहले हम फर्स्ट यूज केस पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था डिफरेंस में, टू टॉक अबाउट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, ऐसे कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी है, प्रेजेंट में अभी तक चलता आ रहा हो। नाउ एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें हमेशा टाइमलाइन मेंशन करना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो अब टाइमलाइन कैसे मेंशन करें, उसके लिए आप यूज कर सकते हो सिंस या फिर फॉर। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बताया था, जितने भी मैंने अभी तक आपको परफेक्ट टेंस बताए हैं उसमें ये पहचान बहुत जरूरी है कि टाइम मेंशन होना चाहिए। कोई भी परफेक्ट टाइम जो परफेक्ट टेंस है वो टाइम के बिना अधूरा है। टाइम नहीं बताओगे तो वो टेंस कंप्लीट नहीं है। तो जब मैंने परफेक्ट में भी समझाया था कि सेंस कहाँ यूज होता है, फॉर कहाँ यूज होता है, आज मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ।
सिंस और फॉर ज्यादातर हम टाइम बताने के लिए यूज करते हैं कि एक्शन कब से हो रहा है. तो सिंस जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, जब आपके पास बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम है कि इतने बजे से हुआ था या इतने ईयर में हुआ था, इस मंथ में हुआ था, इस दिन पर हुआ था. जब स्पेसिफिक डिटेल्स हो टाइम को लेकर तो आप सिंस लगाओगे. एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस 3 AM, सिंस 1998, सिंस मंडे, सिंस अप्रैल. फॉर किस लिए यूज होते हैं, जब आपको टाइम नहीं पता लेकिन उसकी ड्यूरेशन पता है कि हाँ एक्शन इतने टाइम के लिए हुआ था या हो रहा है. तो फॉर 2 hours, फॉर 3 months, फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से, 3 महीनों के लिए या फिर 2 घंटों के लिए. अब एग्जैक्टली नहीं पता कौन से 2 घंटे, बट मुझे टाइम ड्यूरेशन पता है. तो जब एकदम डिटेल्स ना पता हो टाइम की तो आप फॉर लगाओगे, और अगर आपको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पता है तो आप सिंस लगाओगे. ये दोनों एक्चुअली कहाँ यूज होते हैं, रिसेंटली और लेटली, जब आपको बोलना है पिछले कुछ दिनों से, जब आपके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. और अगर आपको बोलना है तो ये पिछले कुछ दिनों से, उसके लिए आप रिसेंटली या फिर लेटली लगाओगे. जब मैं एग्जाम्पल्स करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में. अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ. मैं कब से पढ़ रही हूँ, ये मेंशन हो गया यहाँ पर, सुबह से पढ़ रही हूँ. अगर ये नहीं होता तो सिंपल सेंटेंस था मैं पढ़ रही हूँ, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता. पर अब मैंने बता दिया कि मैं कब से पढ़ रही हूँ, तो सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन स्टडिंग. अब इस टाइमलाइन को देखते हैं, इस डायग्राम को देखो अच्छे से. तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ, मैंने पढ़ना शुरू किया था, वो अभी तक एक्शन जारी है और शायद आगे भी जारी रहेगा. अभी तक मैंने पढ़ना खत्म नहीं किया है तो वो शायद आगे भी जारी रह सकता है, या फिर अभी भी, प्रेजेंट की बात करूं, मैंने पास्ट में शुरू किया था, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ और मैं आपसे बता रही हूँ ये बात. तो मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मॉर्निंग यहाँ पे मेंशन हो गया, टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पता चल गया मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंस का यूज किया है. ठीक है, अब हम दूसरा यूज केस पढ़ेंगे इस टेंस. नाउ इस टेंस का सेकेंड यूज केस क्या है वो देखते हैं कि दूसरी जगह पे कहाँ यूज होता है. सो एक्शंस बिगेन इन द पास्ट एंड एंडेड रिसेंटली. पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, उसको खत्म हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ. इमीडिएट पास्ट जिसको बोलते हैं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुई, एक्शन खत्म हुए, कुछ ही समय हुआ है उस एक्शन को खत्म हुए, और उस एक्शन का रिजल्ट या प्रभाव अभी भी हमारे साथ प्रेजेंट में है. सेंटेंस देखते हैं, मतलब जो एक्शन हुआ था उस एक्शन का इम्पैक्ट अभी भी है. अब आप वो गेम याद करो जो गेस मी राइट मैंने अभी आपको खिलाई थी. मैंने आपको पूछा कि क्या हुआ होगा, भाई वो मिट्टी से खेल रहा है इसीलिए उसके हाथ गंदे हो गए. हाथ गंदे जो है वो रिजल्ट है, मिट्टी से खेलना एक एक्शन है. तो अब उसने खेलना बंद कर दिया लेकिन रिजल्ट उसके साथ रह गया. अब रिलेट कर पा रहे हो? एक और सेंटेंस दिखाती हूँ मैं आपको. आई एम फीलिंग टायर्ड, आई हैव बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 2 hours. मैं थक गई हूँ, मैं 2 घंटे से घर की सफाई कर रही हूँ. तो ये जो घर की सफाई करना, ये आपका एक्शन है जो खत्म हो गया, एक्शन एंडेड. इसका रिजल्ट क्या है कि अब मैं थक गई हूँ, आई एम फीलिंग टायर्ड, मुझे थकावट महसूस हो रही है, मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं 2 घंटे से घर की सफाई कर रही हूँ. एक्शन खत्म हो गया, सफाई अब नहीं हो रही है, खत्म हो गई क्योंकि वो थक चुकी है, और सफाई तो करेगी नहीं. तो इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यहाँ पे यूज करते हैं. यहाँ पे मैंने फॉर लगाया कि कब से मैं एक्शन कर रही हूँ, तो फॉर 2 hours. अब ये तो हो गया कि यूज कहाँ करना है. अब जल्दी से चलते हैं हम अपने स्ट्रक्चर की. लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर कि आपको ये सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं. तो जैसा कि मैंने कहा था कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिक्सचर है ये. याद करो परफेक्ट के लिए मैंने हमेशा बोला था हैज या हैव आना जरूरी है, प्लस थर्ड फॉर्म. यहाँ पे थर्ड फॉर्म का कोई काम नहीं है, उसकी जगह कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा ing. तो यहाँ पर ing, हैज, हैव. एक और चीज ऐड करनी है हमें इस टेंस को बनाने के लिए, और वो है बीन. तो एक बार सेंटेंस देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस देखते हैं. They have been living in Delhi since 1998. वो 1998 से दिल्ली में रह रहे हैं. पास्ट हो गया, पास्ट से अभी तक वो एक्शन चलता आ रहा है. अब अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा, बस has have के बाद आप यहाँ पर not लगा दोगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. They haven't been living in Delhi since 1998. वो 1998 से दिल्ली में नहीं रह रहे. अब एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी तो यहाँ पर मैंने ये haven't यूज किया है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन है have और not का, haven't. अगर कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो. वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखना है, जैसे दे हैव को आप लिख सकते हो देव, दे हैव, यहाँ पे apostrophe लगा देंगे, दे हैव. शीज, यहाँ पे शी हैज का, ही हैज का ही apostrophe s. इसी तरह से यू apostrophe हैव का यू हैव,
हैव नॉट हैवंट, तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन सेंटेंस की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करोगे, हमेशा बोला है हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, वो मैं आगे ले आई। उसके बाद सब्जेक्ट बीन, वर्ब आई एन जी, बाकी सब सेम रहेगा। हैज दे बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1998, क्या वो दिल्ली में 1998 से रह रहे हैं, तो ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आई होप ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर क्लियर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो ताकि आपको फॉर्मूलाज याद रहे। सो अब आता है हमारा प्रैक्टिस टाइम, जहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हैं और उसको हम साथ में ट्रांसलेट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसलेट किस तरह से करके आपके क्या सॉल्यूशंस निकलते हैं उसको। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा हमें वहाँ पे अप्लाई करना है। पहला सेंटेंस है, क्या वो अपने तालाक के बाद अपनी फैमिली के साथ रह रही है। पहली बात तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेंशन आ गया तलाक के बाद, यानी कि टाइम मेंशन हो गया यहाँ पर, तलाक के बाद टाइम मेंशन आ गया और दूसरा क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमें इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस लगाना है यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस लगाना है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक गर्ल है, शी है, तो मैं यहाँ पे हैज लगाऊंगी। Has she been living with her family since her divorce? वो अपने डाइवोर्स के बाद, क्या वो अपने डाइवोर्स के बाद अपनी फैमिली के साथ रह रही है। डाइवोर्स हो चुका है पास्ट में, अब वो अपनी फैमिली के साथ रह रही है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछना था। तो सेंटेंस हमने स्ट्रक्चर वैसे लगाया, वो हमसे पिछले कुछ दिनों से मिलने आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, पिछले कुछ दिनों के लिए आप बोल सकते हो लेटली या रिसेंटली, तो यहां पर भी हम शी लगाएंगे। शी हैज बीन कमिंग, क्योंकि आ रही है, कमिंग टू मीट अस लेटली, यहाँ पर मैं लेटली लगा सकती हूँ, मतलब वो पिछले कुछ दिनों से हमसे मिलने आ रही है। शी हैज बीन कमिंग टू मीट अस लेटली, वो पिछले कुछ दिनों से हमसे मिलने आ रही है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, क्या तुम सिगरेट पी रहे थे। अब यहाँ पे थे से कंफ्यूज मत होना, ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि वो इंसान सिगरेट पी रहा था, उसका प्रभाव अभी भी यहाँ पर है। मुझे खांसी हो रही है, वो पिक्चर याद करो, मुझे कफिंग हो रही है, मुझे स्मेल आ रही है, अभी भी धुएं की स्मेल आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी स्मेल आ रही है, यानी कि रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में है उस एक्शन का, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही यूज करोगे यहां पर, सेंटेंस बनाओगे। हैव यू बीन स्मोकिंग सिगरेट, क्या तुम सिगरेट पी रहे थे या पी रहे हो, अभी भी पी रहे हो, मतलब दिख तो नहीं रहा वो पी रहा है, पर क्या पता वो पी रहा हो, इसकी वजह से उसकी स्मेल हमें आ रही है और वो एक तरह का रिजल्ट है। नाउ लास्ट सेंटेंस, हम एक साल से फुटबॉल नहीं देख रहे हैं। अब ये सेंटेंस जो है वो आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हम मतलब वी, उसके साथ हैव आएगा, वी हैव नॉट बीन या वी हैवंट बीन वॉचिंग फुटबॉल सिंस, अच्छा एक साल से है, अभी हमें नहीं पता कि कौन सा साल है। फॉर वन ईयर, हम एक साल से फुटबॉल नहीं देख रहे, हम पिछले एक साल से फुटबॉल नहीं देखते आ रहे हैं, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। अब एक चैलेंज आपके लिए, तुम पिछले एक घंटे से खाना बना रही हो, इसको आप मुझे ट्रांसलेट करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर टेंस अच्छी तरह से समझ आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई भी डाउट हो इस टेंस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मेरी और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।